आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जियो पोस्टपेड बिल किस तरह से पे कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको माई जियो ऐप्स ओपन कर लेना है। माई जियो ऐप्स ओपन करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के सामने उधर रहते हैं पे बिल, पे बिल पे क्लिक करना है। पे बिल पे क्लिक करने के बाद इधर आपको दो ऑप्शन दिखाते हैं, आपका ड्यू जितना था उसके बाद आज तक कितना हो चुका है, तो आप दोनों को मिला के पे करना चाहते हैं, नहीं तो आपका जितना तक बिल था ड्यू वो पे करना चाहते हैं, तो ऊपर वाला जो ऑप्शन है वो आप चूज करके पे कर सकते हैं। तो मैं पूरा बिल पे करना चाहता हूं, तो नीचे में मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद जियो जो देता है बहुत सारा ऑप्शन, आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं और ऑटो पेमेंट भी आप कर सकते हैं। UPI से पेमेंट करेंगे तो आपका UPI ID देना पड़ेगा, वॉलेट से पेमेंट करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर देना है, OTP देना है, उसके बाद वॉलेट से आपका बैलेंस डिटेक्ट हो जाएगा। नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग का यूजर ID पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। डाल के आपको कोई भी एक तरीके से पेमेंट करना है, इतना सारा ऑप्शन के अंदर जो आपको ईजी लगे वही पेमेंट मेथड आप चूज कर लीजिए। ज़्यादातर हम लोग UPI से पेमेंट करते हैं, तो UPI ID आप डाल सकते हैं उधर। UPI ID डाल के उधर जो आपका ऐप है, ऐप में नोटिफिकेशन जाएगा, उधर से आप पेमेंट कर देंगे तो इधर आपका जो है बिल पे हो जाएगा। बिल पे हो जाने के बाद थोड़ा सा बैक आना है। बैक आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे में। स्क्रॉल करने के बाद इधर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेमेंट हिस्ट्री। पेमेंट हिस्ट्री में क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं जो आपने पेमेंट किए हैं। इसके बाद अपना जो पेमेंट है वो स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए बिल एंड स्टेटमेंट, ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखेंगे आपका जो बिल है उधर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। बिल पेमेंट हो चुका है, उधर भी दिखा रहा है। तो इस तरफ से आप अपना जियो का जो पोस्टपेड बिल है पे कर सकते हैं। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए। नमस्ते।